बेंगलुरु में नए साल के मौके पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शहर के उत्तर कम्मान हल्ली इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस इलाके में रविवार तड़के 2:30 बजे पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वह अपने एक दोस्त के साथ नववर्ष की पार्टी से घर लौट रही थी। इस घटना की CCTV फुटेज वायरल होने के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई थी। इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने बताया कि वारदात की CCTV फुटेज सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। हम महिलाओं के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगलुरु महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है। नए साल पर हुई घटना से शहर की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। वही उन्होंने अपने बयान पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा था। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर बेंगलुरु के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई महिलाओं के साथ सामूहिक तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद परमेश्वरा ने लड़कियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। तो वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सरकार पर भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करें। देखते रहिए DB Live।